बैरिकेडिंग, देखिए पहली बैरिकेडिंग जो है उसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से तोड़ दिया गया है। और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है जो हैं अब बैरिकेडिंग को लांग कर वहीं देखिए दूसरी तरफ यानी कि जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जो है वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए नरेश बालियान को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं कि नरेश बालियान चोर है कि नारे जो है इनको पूरी तरीके से देखिए यहाँ से हिला दिया गया है। बैरिकेडिंग को उखाड़ने की कोशिश जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। देखिए लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर जो है वो लगातार नारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो भरपूर की जा रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। और इसी के साथ जो धरना प्रदर्शन है इसी के साथ ढपली और तमाम जो नारेबाजियों के साथ जो है वो तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को लांग कर दूसरी तरफ जाने का जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि रवि नेगी और इसी के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ जो है वो कार्यकर्ता धक्का मार कर दूसरी तरफ धकेल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं सीआरपीएफ की जो टीम है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं को दूसरी तरफ जो है वो धकेल रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फिर भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ जाने का। और इसी के साथ ढपली बजाकर जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध जो है वो बीजेपी की तरफ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो वोटिंग और जो बैलेट लेकर आए हैं बाढ़ से जिम्मेदार और तमाम जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए हैं उन तमाम चीज़ों की पर्ची लेकर यानी कि उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक यानी कि नेता अगर हम बात करें नरेश बालियान की तो नरेश बालियान को लेकर देखिए एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है कि किस तरीके से जो है वो करोड़ों लाखों रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। उनका एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो वायरल हो चुका है जिसके बाद आज लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार पर हमलावर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल जो हैं वो इन तमाम मसलों को लेकर पूछे भी जा रहे हैं। और उसमें से एक मुद्दा ये भी है जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। देखिए लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और वहीं देखिए तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्रोन के द्वारा जो है वो भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। देखिए बैरिकेडिंग को जो है वो पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास जो है वो तमाम इन कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और लगातार नारेबाजी जो है वो इन कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला नेत्री जो है वो भी लगातार दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रही है। देखिए किस तरीके से ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने का प्रयास जो है वो इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ की जो टीम है वो लगातार जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। देखिए नरेश बालियान को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं कि नरेश बालियान चोर है कि नारे जो है इनको पूरी तरीके से देखिए यहाँ से हिला दिया गया है। बैरिकेडिंग को उखाड़ने की कोशिश जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास जो है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है पर उसके बावजूद भी आक्रोश जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय पर मानने वाले नहीं हैं। और इसीलिए देखिए किस तरीके से जो है वो
कार्यकर्ता यहाँ से हटने का नाम, यानी कि हम कहें कि टस से मस्त होने का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो दूसरी तरफ लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो इन तमाम लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को शांत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो जन आक्रोश है, देखिए किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस तरीके से उछल कर नीचे गिर रहे हैं कि शायद एक कार्यकर्ता उनको ज़्यादा जो गंभीर चोट। देखिए एक एक करके जो है वो पुलिस की तरफ से कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया जा रहा है। जैसे ही कार्यकर्ता जो हैं जो बैरिकेटिंग को तोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया जा रहा है। देखिए उसके बावजूद भी कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम बैरिकेटिंग को यहाँ से तोड़कर दूसरी तरफ जाने का जो है वो पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग को जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ धक्का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और प्रदर्शनकारियों की तरफ से दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ CRPF की टीम और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है। और देखिए उसके बावजूद भी जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं वो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से जो है वो धकेला जा रहा है दूसरी तरफ। अभी एक को लगी है जो सर फटाया भी। ये देखिए बैरिकेटिंग, देखिए पहली बैरिकेटिंग जो है उसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से तोड़ दिया गया है, और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है जो है अब वो बैरिकेटिंग को लांग कर वही देखिए दूसरी तरफ यानी कि जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जो है वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए किस तरीके से देखिए एक बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है, पर इसके आगे हम देखें तो देखिए वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं। देखिए बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है और इन्हीं बैरिकेट्स को लांग कर जो है ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है ये यहाँ से बैरिकेटिंग को तोड़कर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी तमाम जो कार्यकर्ता है सर नरेश बालियान को लेकर जो अभी आपने बातें कही हैं उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि फंसाया जा रहा है नरेश बालियान को। अब इन सबों को कानून बताएगा, ऐसे अपराधियों के लिए जो सजा मैक्सिमम होगी तब पता चलेगा इनको।